नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। एमआरएस जेएसए की टाइपिंग एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, आप सभी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और उसमें जो दिया गया इंस्ट्रक्शन है उसे बहुत अच्छे से पढ़ लें। बहुत बड़ा बदलाव किया गया है टाइपिंग टेस्ट के फॉर्मेट में आपके ईएमआरएस में। बाकी जितने भी टाइपिंग टेस्ट होते हैं उसको देखते हुए अगर हम बात करें तो ईएमआरएस का टाइपिंग टेस्ट का जो फॉर्मेट है वो पूरा तरह से चेंज हो गया है। क्या सिनेरियो है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको एक बार में बता दे रहा हूं, जल्दी से आप देख लीजिए कि आपका ये जो एडमिट कार्ड के साथ इंस्ट्रक्शन मिल रहा है इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें आपके क्या क्या दिया गया है उसे आप ध्यान से देख सकते हैं कि क्या क्या यहां पर इंस्ट्रक्शन के रूप में आपको दिया गया है। क्या दिया गया है, सबसे पहले अगर बात करेंगे तो यहां ये बोला गया है कि आपका जो भी होगा, अगर कहीं भी डॉक्यूमेंट कभी भी स्टेज के एग्जामिनेशन के किसी भी स्टेज के समय में आपका जो डीवी में कोई भी रॉन्ग इंफॉर्मेशन आपको पाया जाता है तो आपके क्या कर दिया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, आप भर्ती के हिस्सा नहीं रहेंगे। दूसरी बात बोला है कि आप सेंटर को आप पहले जाके देख लें एक बार, पहले से एडवांस में वहां पर पहुंचे रहें। तीसरी बात आपसे बोला है कि आप जो एडमिट कार्ड दिया गया है, आपका एडमिट कार्ड में जो टाइम दिया गया है उसी टाइम पर आप पहुंचे जो रिपोर्टिंग टाइम है। चौथा जो आपका पॉइंट है वो बोला है कि आप ओरिजिनल आईडी प्रूफ एडमिट कार्ड के साथ अपनी आईडी प्रूफ लेकर जाएं जो ओरिजिनल हो, ठीक है, उसकी फोटोकॉपी मत लेके जाइएगा, ओरिजिनल आप लेके जाइएगा, साथ में एक फोटोकॉपी रख लीजिएगा, बाकी एडमिट कार्ड आप अपना ले लीजिएगा। अब इनमें से कोई भी आप अपना आईडी कार्ड ले जा सकते हैं। इसके बाद से बोला कि अगर आपका फोटो नहीं क्लियर आया है आपके एडमिट कार्ड में तो आप अपनी एक फोटो और आईडी की फोटोकॉपी ले आ जाइएगा और ऑब्जर्वर के सामने आप वहां पे उनको बताइएगा कि मेरे एडमिट कार्ड में फोटो नहीं आया है, तो वो सब चीजें। बाकी छठवां नंबर जो पॉइंट बोल रहा है कि आपको मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस नहीं लेके जाना, अगर ऐसा पाया जाएगा तो आपको डिस्क्वालिफाई कर दिया जाएगा, ये बात ध्यान रखिए। सातवां नंबर आपसे क्या बोला है कि जो भी इंस्ट्रक्टर बोलेगा, ऑब्जर्वर बोलेगा एग्जाम सेंटर में उसे आपको पालन करना है। आठवां बोल रहा है नो कैंडिडेट विल बी ब्रिंग एज हर ऑन कीबोर्ड और माउस, कोई भी कैंडिडेट अपना कीबोर्ड और माउस लेकर मत आइएगा, आपको वहां सेंटर पर मिलेगा। फिर बोला है नौ नंबर आपका कि जो टाइपिंग होगा वो कंप्यूटर पे होगा ऑन इंग्लिश और हिंदी, हिंदी के लिए ऑन मंगल और कृतिदेव 10, फॉन्ट कीबोर्ड लेआउट विल बी इंस्क्रिप्टेड रेमिंटन, इंस्क्रिप्टेड और रेमिंटन दोनों होंगे आपके, ये बोला ना इंस्क्रिप्टेड और रेमिंटन आपके दोनों हैं, तो फॉन्ट का भी समस्या आपको खत्म हो गया कि भैया आपका क्या होगा, कृतिदेव भी होगा, मंगल होगा और मंगल का इंस्क्रिप्टेड भी लेआउट रहेगा जो रेमिंटन गेल वाला है। तो सबका जो भी आपको टाइपिंग आता है एकदम निश्चिंत रहिए, आप अपनी स्पीड पर ध्यान दीजिए। चेंज क्या हुआ है, चेंज ये है कि बाकी टाइपिंग स्पीड तो 35 वर्ड आपकी इंग्लिश है और 30 वर्ड आपकी हिंदी है, टाइपिंग समय 10 मिनट ही है, 10 मिनट का समय आपको टाइपिंग का मिलेगा, मगर अगर आप 350 तो एकदम करेक्ट वर्ड आपको टाइप करना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक, एरर कम से कम करना है। कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू चेक देयर कीबोर्ड एंड माउस बिफोर द एग्जाम, हा ये बोला है कि एग्जाम स्टार्ट होने से पहले अपना कीबोर्ड माउस अच्छे से चेक कर लीजिए, कोई समस्या है तो आप ऑब्जर्वर को बोल सकते हो वहां पर, वो आपको वहां पे बदल देंगे, दूसरा कीबोर्ड माउस दे देंगे। 11 नंबर पॉइंट बोला द कैंडिडेट विल नॉट कंसल्ट इच अदर कंपेयर द टाइपिंग सीट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द, अब बोला यहां पर टाइपिंग सीट नॉट कंपेयर टाइपिंग सीट, इसका मतलब यह हुआ कि आपका एग्जाम ऑनलाइन मोड में ना होके ऑफलाइन है, टाइपिंग आप कंप्यूटर पे ही दोगे लेकिन जो मैटर होगा वो पेपर में होगा, उस पेपर को देखकर आपको स्क्रीन पर टाइप करना होगा कीबोर्ड के थ्रू। तो ये एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बदलाव हो गया और इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पेपर और कंप्यूटर को मैनेज करना पड़ेगा देखकर कि कैसे, तो इसकी हैबिट अब निकालो, अब मैटर आप टाइप करके प्रिंट मैटर ले आओ उसको देखकर और टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे टाइप करो, कई सारे आते हैं टाइपिंग सॉफ्टवेयर जिसमें आपको मैटर दिया रहता है उसको प्रिंट आउट लो और फिर उसको उसी पर टाइप करो ताकि आपको एक्यूरेसी पता चले। यहां मेन खेल होगा अब एक्यूरेसी का, एक्यूरेसी का खेल तो पहले भी था क्योंकि आपकी जो टाइपिंग है, आप लोगों को जिसको नहीं पता टाइपिंग 50 मार्क्स का है, इसमें पासिंग मार्क्स जो है वो आपको कितना चाहिए, पासिंग मार्क्स 20 नंबर चाहिए,
20 नंबर आपको लेकर आना, अगर 20 नंबर नहीं आए तो आप फेल हो जाओगे। और ये मार्किंग होगी आपके कहीं ना कहीं एक्यूरेसी के बेस पर, जितनी बेस्ट एक्यूरेसी होगी उसी हिसाब से आपकी मार्किंग होगी। तो ये ध्यान रखना बच्चों कि एक्यूरेसी अपनी 90 प्लस मेंटेन करके चलो, मतलब मेरी मानो तो 95 रखो, मेरी मानो तो आप अपनी एक्यूरेसी 95 रखो, मतलब 90 प्लस तो मान के ही चलो, और मेरी राय यह है कि आप 95 रखो। एक्यूरेसी की यहां कहीं बात नहीं किया कि कितना रखना है, लेकिन आपको 20 नंबर लाना है तो यह ध्यान रखिएगा 90 प्लस एक्यूरेसी का ही एक मान सकते हैं कि आपको रखना है। बोला है उसके बाद से कि आपका जो टाइपिंग होगा वो सीट से देख के ही होगा, तो अब से ये हैबिट डाल लो, नहीं तो समस्या हो जाएगी। ठीक है, समस्या ये हो जाएगी कि आपको जनरली है कि स्क्रीन पर देखकर टाइप करने का, अब आप नीचे फिर ऊपर नीचे ऊपर देख के टाइप करोगे तो ये कहीं ना कहीं टाइम टेकिंग भी होगा। समय आपको वही 10 ही मिनट मिला है और स्पीड भी अच्छी खासी है, ऐसा नहीं है 35 वर्ड इंग्लिश में है 30 वर्ड हिंदी में है, तो ये मेंटेन करना भी पड़ेगा आपको, एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी पड़ेगी। अब बात ये आती है कि क्या बैक स्पेस अलाउ कर सकते हैं? इंस्ट्रक्शन में कहीं भी इसके बारे में जिक्र नहीं है कि बैक स्पेस हम अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन चांस क्या बताया जाए, अगर यहां पर बैक स्पेस को बंद किया गया होता तो हो सकता है नोटिस में ये देते, इंस्ट्रक्शन में इनको देना चाहिए था, अगर नहीं दिए हैं तो एक पॉसिबल ये हो सकता है कि बैक स्पेस अलाउ कर दें। ठीक है, बैक स्पेस अलाउ कर दें, है ना, कि आप बैक स्पेस का अलाउ कर देंगे तो आप अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन कर सकते हो, ये चीजें हो सकती हैं। तो चांसेस हैं कि आपका बैक स्पेस अलाउ हो, लेकिन मेरा मानना यह है कि बच्चा तुम दोनों तरीके से करो, एक बार प्रैक्टिस करो बिना बैक स्पेस के, एक बार प्रैक्टिस करो बैक स्पेस के साथ, कभी दोनों का आपको अगर हो गया तो बहुत बढ़िया, बेहतरीन है, जबरदस्त है, नहीं हुआ तभी भी आपकी प्रैक्टिस कम से कम ऐसा रहे कि बिना बैक स्पेस के भी आप अच्छी एक्यूरेसी ले जा रहे हो, मेरा मानना यह है। बाकी मेरे चांस यही बोल रहा है कि बैक स्पेस अलाउ कर देंगे, नहीं करना होता तो जरूर इंस्ट्रक्शन में दिया गया होता, अब इंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं दिया तो भाई मेरे को नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन एक अनुमान तो मैं बता रहा हूं। बाकी ये पॉइंट 12 नंबर यही बोल रहा है कि भाई जो आप टाइपिंग करोगे, टाइपिंग का जो मैटर होगा जितना टाइप किए रहोगे वो प्रिंट करा के निकाला जाएगा, उस पर आपका और इन्विजिलेटर का साइन होगा और फिर उसे सबमिट कर लिया जाएगा। और इंस्ट्रक्शन क्या है आपका, इंस्ट्रक्शन और है कि भाई आपको कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर पे जो है पैराग्राफ वैराग्राफ अंदर से बाहर लेकर नहीं आना है। ठीक है, ये सब बातें की गई हैं। तो यहां पे जो मेन पॉइंट था आपका, बाकी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मेन पॉइंट आपका यही था। बच्चों का मेन दिक्कत ये था कि सर क्या ये 10, 11 और 12 जो पॉइंट है, ये सबसे बड़ा कि क्या ऑनलाइन है या ऑफलाइन टाइपिंग है, तो आपको मैटर ऑफलाइन मिलेगा, उसको देखकर आपको कंप्यूटर पे टाइप करना होगा, टाइपिंग आपकी सॉफ्टवेयर पे ही होगी, तभी तो वो आपको एक्यूरेसी बताएगा कि इतना परसेंट आपकी एक्यूरेसी है। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक्यूरेसी आप मेंटेन करके चलिएगा, 20 मार्क्स आपको किसी तरह लेके आने हैं पास होने के लिए, 20 मार्क्स आपके टाइपिंग में ये पासिंग मार्क्स है, इसको आपको लाना है, तो इसके लिए आप एक्यूरेसी ये सोचिए कि 90 प्लस आपकी एक्यूरेसी रहे। ठीक है, और अभी कोशिश करिए कि आपकी यहां पर जो एक्यूरेसी बने अभ्यास के समय में 95% पर तक रहे आपकी एक्यूरेसी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, तो ये क्लियर है ऑलमोस्ट, क्योंकि इसके शब्द ये बता रहे हैं कि द कैंडिडेट विल नॉट कंसल्ट ईच अदर, कंपेयर द टाइपिंग सीट, टाइपिंग सीट की बात किया है और कंपैरिजन की बात किया है कि टाइप करते समय अपने सीट का कंपेयर किसी अगल बगल वाले से नहीं करना है, तो इसका मतलब कि मैटर ऑफलाइन है, ये 100% कंफर्म है। ठीक है, कि इसका मैटर ऑफलाइन ही होगा। ठीक, तो ये चीजें आप लोग अब अपने बदलाव कर लीजिएगा, अभी तक जैसे टाइपिंग कर रहे थे मोड चेंज करिए जितना भी दिन है, और फिर उस मोड में जो आपका नया पैटर्न है इसमें अब टाइपिंग करने की कोशिश करिए। जैसा मैंने बताया हाईलाइट का प्रॉब्लम तो खत्म, अब एक समस्या ये, पहले हाईलाइट चलो चलो बताता है कि यहां तक टाइप कर लिए, अब आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कहां तक टाइप किए हैं, फिर कहां से कहां करेंगे, तो वो चीजें आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। तो ये टाइम टेकिंग होता है, गलतियां होने के भी चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो
तो इस केस में थोड़ा दिमाग को एकदम स्थिर रख के अब इसी मोड पे टाइपिंग आप अभ्यास करिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जिनको नहीं पता था 20 नंबर एकदम अनिवार्य है आपको टाइपिंग में लाना। एक्यूरेसी बहुत महत्वपूर्ण है, एक्यूरेसी डाउन मत होने दीजिएगा, यही आपका सिलेक्शन का कहीं ना कहीं एक रामबाण है कि आपको एक्यूरेसी मेंटेन करना है। बाकी टाइपिंग फॉन्ट इंग्लिश आपका वही रहेगा, लेआउट आपको जो बता दिया गया, हिंदी इंग्लिश को आप वो जनरली कर सकते हो। हिंदी वाले बच्चों के लिए आपको बोला है मंगल कृतिदेव 10 का जो आपका होगा इंस्क्रिप्टेड लेआउट और रेंगविंटन लेआउट आपके रहेंगे, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, जो भी आपको टाइपिंग आती है सब कुछ इंक्लूड कर लिया गया है, तो वो आप उसमें टाइपिंग दे सकते हैं, ठीक। जाने से पहले एडमिट कार्ड के एक बढ़िया से सब लोग प्रिंट कराइएगा, उसे पढ़ लीजिएगा। कोई समस्या है अभी भी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान किया जाए। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बेस्ट ऑफ लक सभी को, और एकदम शांत होके चेंज हुआ है प्रैक्टिस आप इसी फॉर्मेट पे करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। जितना ज्यादा दिन भर में जितना टाइपिंग कर डालो, आपको जितना समय मिल रहा है पूरी टाइपिंग पे बिता दो, पक्का है 100% हो जाएगा, उसके लिए निश्चिंत रहो, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ मैं फिर कोई और इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं मिलूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।